आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अंडा कीमा की रेसिपी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी। एक बार आप भी ट्राई ज़रूर करें। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। एक बार आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार होता है। आप इसको कभी भी बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ पे हमने 5 अंडे लिए हैं जिसको हमने अच्छे से बहुत अच्छे से बॉयल कर लिया है। बॉयल करके हमने इसको छील लिया है। अब इसको हम ग्रेट कर लेंगे। हमें इसको मोटी वाली साइड की तरफ से ग्रेट करना है, हमें इसको बहुत बारीक वाली साइड से ग्रेट नहीं करना है। तो मोटा मोटा ग्रेट करेंगे तो यह अंडे का कीमा बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। इस तरह से हमें इसको सभी अंडों को ग्रेट कर लेना है। इसी तरह से हमने सभी अंडों को ग्रेट कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इधर हमने एक पैन चढ़ा दिया है, इसमें 5 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 टीस्पून हम जीरा डाल देंगे। जीरा हमारा तलक जाएगा तो इसमें हम 2 प्याज एकदम रफली चॉप कट की हुई डाल देंगे। डाल के हमें इसको चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है। हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है प्याज को। प्याज को हमारे पकते हुए 1 मिनट हो गया है। अब इसमें हम 1 हरी मिर्च से बारीक कट की हुई डाल देंगे। डाल के हमें इसको भी अच्छे से पका लेना है। प्याज को हमें सॉफ्ट होने तक ही पकाना है, हमें बहुत ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करना है। हमारी प्याज का कलर बदलना शुरू हो गया है। अब इसमें हम कुछ ड्राई मसाले डाल देंगे। इसमें हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। डाल के सभी मसालों को हमें चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। फ्लेम को हमें मीडियम टू लो ही रखना है, बहुत हाई फ्लेम पे हम इसको नहीं पकाएंगे। हमारे मसालों को पकते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। हमारे सभी मसाले बहुत अच्छे से भून गए हैं। बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़े का अंडे का कीमा बन के तैयार होता है। एक बार आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिए। अब इसमें हम 2 टमाटर डाल देंगे बारीक कट किए हुए और 1 शिमला मिर्चा, इसको भी बारीक कट कर लिया था हमने, डाल देंगे। डाल के अच्छे से हमें मिला लेना है। हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए इसलिए हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। हमने 1 टीस्पून डाला है, आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं। डाल के हमें फ्लेम को लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पर हम अच्छे से पका लेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून पानी डाल देंगे। डाल के हमें इसको अच्छे से मिला लेना है ताकि हमारा शिमला मिर्चा और टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए। इसको ढक के 1 से 2 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं हमारे मसालों पकते हुए। चलिए देखते हैं क्या हाल है। बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है। इसको हम अच्छे चला लेंगे। हमारे टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए हैं और हमारा शिमला मिर्चा भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम फ्लेम को हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पर हमें बहुत अच्छे से इसका पानी जला लेना है। मसालों को अच्छे से भून लेना जब तक हमारे मसाले तेल ना छोड़ दें। हमारा मसाला बहुत अच्छे से पक गया है, हमारे मसाले में तेल छोड़ दिया है। अब इसमें जो हमने अंडे को ग्रेट करके रखा था हम इसको डाल देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून हम मैगी मसाला डाल देंगे। डाल के हमें इसको अच्छे से मिला लेना है। फ्लेम को हमें मीडियम टू लो ही रखना है। अच्छे से मिला लिया है। इसमें हम 1 टेबल स्पून पानी डाल देंगे। डाल के हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। फ्लेम को हम लो ही कर देंगे। लो फ्लेम पे हम इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से हम पका लेंगे।
2 मिनट हो गया है हमारे अंडे कीमे को पकते हुए। बहुत अच्छे से हमारा अंडा कीमा पक गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। हम इसको अच्छे से मिला देंगे धनिया पत्ती डाल के, और इसको लीड लगा के 1 मिनट और पका लेंगे। इससे हमारे अंडा कीमे का फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा और बहुत ही मज़े का लगेगा, बनके तैयार होगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करें। ठंड के मौसम में इसको बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। 1 मिनट हो गए हमारे अंडा कीमा को पकते हुए, और हमारा अंडा कीमा एकदम तैयार है। आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें। आप इसको चपाती के साथ, रुमाली रोटी के साथ या पराठे के साथ सर्व करें। आप इसको डिनर में, लंच में, सुबह के नाश्ते में बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये खाने में।